सो गाइस आज की वीडियो में आप लोग के लिए स्नैपशीट से हेल्प से नेचुरल फोटो एडिटिंग लेके आया हूँ। अगर आप इस एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गैलरी को ओपन कर लेना है। गैलरी ओपन करने के बाद अब जो भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्नैपशीट में शेयर करना है। तो चलिए हम इसी स्नैपशीट में शेयर करते हैं। तो यहाँ से हम स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो यहाँ पे देख लीजिए स्नैपशीट ओपन हो गया है। बाकी मैंने स्नैपशीट का जो बैकग्राउंड है उसे डार्क कर रखा है क्योंकि जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टूल में आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ट्यून इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर टैप करने के बाद आपको ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह, सैचुरेशन सभी चीज़ दिखाई देगा। तो उसमें से आपको सैचुरेशन को बढ़ा लेना है 73 पर एंड एम्बियंस को बढ़ा लेना है 28 पर। अब आ जाना है लास्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है, इसको कर लेना है आपको 26 पर। बाकी आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद आपको इसे राइट कर देना है। राइट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे फेस में इफेक्ट आ गया है, ठीक है। अब इसे रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एडिट स्टॉक पर। उसके बाद व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ट्यून इमेज पर क्लिक करके एक बार पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद ट्यून इमेज जो है जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो जहाँ पे भी इफेक्ट है उसे रिमूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फेस में इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही रेड रेड लग रहा था तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से हैंड पे भी है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद इसे राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद एक बार बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपको फिर से वही पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। फिर यहाँ से डबल एक्स वजर का टूल है उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओपन इमेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि गैलरी ओपन हो जाता है और फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बैकग्राउंड को मैं लास्ट में बताऊँगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी होता क्या है, बैकग्राउंड पूरे डिटेल में दिखता है, ठीक है। जैसे कि इसका ओपेसिटी को बढ़ाएं हम लोग तो यहाँ से बैकग्राउंड पूरा डिटेल में दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसे राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद अभी हमें मॉडल को बैकग्राउंड में लाना है। उसके लिए फिर से आपको एडिट स्टॉक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको व्यू एडिट पर फिर से आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको कुछ इस तरह से डबल एक्सपोजर को 100 कर देना है। फिर यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ बैकग्राउंड हो रहा है, पिक्चर काफ़ी अच्छी तरह से। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको इरेज करके क्या करना होगा, यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद एक बार बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको फिर से वही पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से पोर्ट्रेट टूल पर क्लिक करना है। तो चलिए हम पोर्ट्रेट टूल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक फेस ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसका फेस स्पॉट लाइट को +30 पर रख लेना है एंड स्किन स्मूथिंग को 25 पर रख लेना है। उसके बाद राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद देख लीजिए दोस्तों पिक काफ़ी अच्छी तरह से बन गई है काफ़ी कम स्टेप में। अब आते हैं बैकग्राउंड को कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको इमेज को सेव करने के बाद आपको क्रोम को ओपन करना है। तो चलिए हम क्रोम को ओपन करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्रोम ओपन हो गया है, क्रोम ओपन होने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है aashishedit.com। तो चलिए लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँगा आपको वैसे ही सेम टू सेम लिखना है, तभी आप मेरे वेबसाइट पर आ सकोगे, ठीक है। तो जैसे कि चलिए लिखते हैं हम aashishedit.com edit.com। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में लिंक मिल जाएगा तो उसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है, फाइल में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको फाइल में ढूंढना है नेचुरल फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नेचुरल फोटो एडिटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे कर देना है। फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो अब बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रीन पर टैप करना है, फिर यहाँ से डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।